दोस्तों आज मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया टू रिव्यू दिस टेन थाउजेंड रुपीज लैपटॉप इंडिया में आपको पड़ेगा अराउंड ट्वेंटी टू थर्टी थाउजेंड रुपीज पर यूएस में यू कैन गेट फॉर हंड्रेड एंड फिफ्टी डॉलर जो मैंने खुद खरीदा है नॉट स्पॉन्सर्ड एंड आई रियली वॉन्ट टू सी कि अगर मैं प्रोग्राम या फिर कोडिंग कर सकता हूँ ऑन टू थाउजेंड डॉलर लैपटॉप ट्वेंटी फाइव हंड्रेड डॉलर लैपटॉप लाखों के लैपटॉप पर कोडिंग कर चुका हूँ क्या मैं वापस वहां पे जा सकता हूं जहां से मैंने खुद स्टार्ट किया था कैन आई एक्चुअली कोड अगैन इन अ टेन थाउजेंड रुपीज लैपटॉप इज इट रियली पॉसिबल और अगर आज एक बच्चा सिक्स क्लास में सेवेंथ क्लास में आप किसी भी क्लास में हो अगर आपके पेरेंट्स नहीं मानते टू गेट यू एन एक्सपेंसिव लैपटॉप क्या आप भी कोडर या फिर प्रोग्रामर बन सकते हो कि नहीं लेट्स फाइंड आउट सो स्टार्ट करते हैं यहाँ स्पेसिफिकेशन से नो यू कैन नॉट ओपन विद वन सो ऑन पेपर दिस लैपटॉप इज रियली रियली स्लो नॉट जस्ट स्लो एक्सट्रीमली स्लो क्योंकि ये आता है विद अराउंड 1.1 गीगाहर्ट्ज सेलरॉन प्रोसेसर मेरे शायद दस साल पुराने लैपटॉप में भी इससे ज्यादा गीगाहर्ट्ज थे इसके अंदर सिर्फ वन पॉइंट वन गिगा हर्ट्स है दैट मीन्स टू कोर्स टू कोर्स ओनली मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग इतनी फास्ट नहीं होने वाली आप ज्यादा मल्टी टास्किंग ईजिली नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ इसके अंदर दो कोर्स हैं ऑन द टॉप ऑफ दैट इसके अंदर है सिक्सटी फोर जी बी इंटरनल स्टोरेज मेरे पास जो पुराना लैपटॉप था उसमें हार्ड ड्राइव थी इसके अंदर ई एम कोई ड्राइव है बट इट्स नॉट एस आज के जमाने में अगर आपको कोई लैपटॉप लेना यू मस्ट गो विद एस काफी ज्यादा स्पीड बढ़ जाती है इसका इसका बूटअप टाइम ही काफी स्लो है तो एक बार टर्न ऑन करने की कोशिश करता हूँ रिस्टार्ट होने में कभी कभी दो तीन मिनट लग जाते हैं एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रैम इसके अंदर आती है ओनली फोर तो ऑन पेपर लगता ही नहीं है कि यार एक बच्चा चूज भी करेगा इसे कोडिंग के लिए पर आज मैंने करके दिखाया एंड आई एम गोना शेयर वट आर द स्टेप्स यू नीट टू टेक To code on this laptop and specially on a Windows computer. तो सबसे पहले most important app जो मैंने इसमें install की, that was Git. और काफी बच्चे यार Google पर search करते हैं, download Git and then install करते हैं। But I, being a programmer, I used command line. तो so, मैंने command line में cool तरीके से win get use किया। अगर आपको win get a tool use करना है, that is for command line, जिसके through आप सिर्फ एक line पेस्ट करके ऑन द टर्मिनल यू कैन डाउनलोड एप्लीकेशन सो उसके थ्रू मैंने वी एस कोड इंस्टॉल किया मैंने काफी ज्यादा एप्स इंस्टॉल की फर्स्ट वन विच इज गिट अब मैंने गिट इंस्टॉल कर दिया तो वर्जन कंट्रोल ईजी हो गया नाउ वर्जन कंट्रोल तब आप यूज करोगे जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे बट विल टॉक अबाउट दैट लेटर नाउ द नंबर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐप जो मैंने इसमें इंस्टॉल की दैट इज लाइट शॉट तो कभी क्या होता है जब आपको स्क्रीनशॉट लेना होता है अब मेरे लिए ले स्क्रीनशॉट लेना बहुत आसान हो गया है सो ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट क्लिक ऑन प्रिंट स्क्रीन और ये पूरी स्क्रीन मेरे लिए रेडी हो जाती है ताकि मैं स्क्रीनशॉट ले पाऊँ और आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो कौन सी कौन सी चीज़ें आपको स्क्रीनशॉट लेनी है एंड कंट्रोल सी से कॉपी कंट्रोल वी से पेस्ट आप अगर टीम्स पे मैसेज कर रहे हो स्लैक पे मैसेज कर रहे हो व्हाट्सएप पर कर रहे हो सीधा कंट्रोल भी करो कोई कोड का स्टेपर लिया कॉपी पेस्ट और इससे पूछो यार ये कोड में गड़बड़ है पता नहीं चल रही यू कैन आस क्वेश्चन वेरी इजिली जब भी आप किसी से, से बात करते हो इफ यू सेंड स्क्रीन एंड देन आस्क क्वेश्चन द एसपर्ट यू आस क्वेश्चन टू ही कैन अंडरस्टैंड द problem easily and explain easily now let's talk about the number 3 application that you really need to be a programmer or coder that is going to be vs code ek vs code ek bahut hi powerful application hai bahut lightweight hai iska size tha around 200 mbs badi jaldi install hogi wo bhi maine winget se install ki and VS Code install करने के बाद मुझे करना क्या था मुझे coding start करनी थी अगर मैं Java में कर रहा हूँ तो Java file खोलूंगा, अगर मैं वेब डेवलपर बनना चाहता हूं तो एच JavaScript, एम फाइल अगर मैं सी प्लस प्लस डेवलपर बनना चाहता हूं तो सी प्लस प्लस फाइल अब

सीधा वो क्लिक किया मैं ऑनलाइन गया जेडीके मैंने इंस्टॉल कर दिया अब क्योंकि ये विंडोज है मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ी और छोटी सी हर्डल देखनी पड़ी जो मुझे मैक में ज्यादातर नहीं देखनी पड़ती थी क्योंकि मैक में जब आप सीधा टर्मिनल पे जावा लिखते हो गेट लिखते हो वो सीधा आपको एक पॉपअप दे देता है डू यू वांट टू इंस्टॉल जावा और वो सीधा टर्मिनल में ऐड कर देता है पर प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको कोई भी चीज टर्मिनल में चाहिए कमांड लाइन में चाहिए तो आपको सेटिंग्स में जाके पाथ में मैन्युअली ऐड करना पड़ता है वो मैक कमाल का है कि खुद ही ऐड कर देता है थोड़ा बहुत टाइम बचा देता है थोड़े बड़, थोड़े बहुत मैजिकली फीचर्स दे, दे देता है प्रोग्रामों को पर यह विंडोज आपको वो देने नहीं वाली पर इन शॉर्ट सिर्फ दो तीन मिनट लगते हैं यू कैन जस्ट गो टू इन्वायरमेंट वेरिएबल्स वेरिएबल्स में पाथ पे जाके आप ऐड कर दो तो आपको टर्मिनल में भी तो आपको टर्मिनल में भी जावा गेट सब कुछ मिल जाएगा तो मैंने JDK इंस्टॉल किया आई जस्ट हिट द रन बटन एंड आई एम रेडी टू रन जावा कोड मिनटों में रन हो जाता है एक्चुअली मिनटों में नहीं हेलो वर्ल्ड आल्सो took around 10 seconds to run सो इट्स नॉट एज फास्ट एज यू वुड एक्सपेक्ट पर काफी जल्दी इसमें कोडिंग हो जाती है क्योंकि एक बार आपका एनवायरमेंट सेटअप हो गया तो आपको सिर्फ एक रन का बटन दबाना है कोई बड़ी बात तो है नहीं कंट्रोल एस सेव एंड रन दबाया तो काफी हद तक कोडिंग हो जाती है कुछ चीजों कुछ चीजें स्लो होती हैं आई डू एक्सेप्ट क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कोर है पर विद इन तीन चार सेकेंड में मोस्ट कोड जो आपको असाइनमेंट्स में मिलेगा मोस्ट जो कोडिंग वर्क आपको असाइनमेंट्स मिलेगा या फिर आपके प्रोजेक्ट में मिलेगा छोटे मोटे प्रोजेक्ट में वो उसमें हो जाता है एटलीस्ट फॉर जॉब नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर टू प्लग इन या फिर नंबर टू चीज जो मैं वी एस कोड में इंस्टॉल करने वाला हूं दट बी पाइथन सो पाइथन इज वन ऑफ द मोस्ट यूज लैंग्वेज नाउ फॉर पाइथन इफ यू वॉन्ट टू डू इट ऑन वी एस कोड ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट क्रिएट अ पाइथन फाइल डॉट टी वाई और वो सीधा आपको बता देगा दैट यू नीड पाइथन टूल्स बट क्लिक द बटन

वेब पेजेस बनाने कुछ भी बनाना तो उसके लिए क्या करना है आपको सीधा एक प्लगइन इंस्टॉल किया एच टी का और एक बहुत कूल cool प्लगइन जो मैं यूज करता हूँ दैट इज लाइव सर्वर उससे क्या होता है आप वेबसाइट को लाइव एडिट कर सकते हो सो लेट्स विद दैट सो मैं एक एच मैंने फाइल क्रिएट की उसमें मैंने एक सैम्पल प्रोजेक्ट डाल दिया जिसके अंदर डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम के बारे में चीजें लिखी हुई हैं और क्योंकि ये लाइव सर्वर में चीजें रन हो रही हैं आई एम एबल टू एडिट एडिटेड लाइव जैसे ही मैं कंट्रोल एस दबाऊंगा आपको वेबसाइट में चेंजेस दिख जाएंगे सो यू कैन सी द चेंजेस लाइव इमिडिएटली एंड डॉक्टर ऐड हो गया सर ऐड हो गया बहुत मैजिकली चीज चलती है एंड इसमें मुझे कोई लैग्स फील नहीं हुए इवन ऑन टू कोर्स सी पी यू सो काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस रहा आप तक नाउ लास्ट जो मेरे लिए मेरे ख्याल से VS एस कोर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज C++ अब उसके लिए मुझे बहुत पंगे में पड़ना पड़ा क्योंकि मुझे मैक की आदत थी अभी और मैथबुक में क्या होता है आप सीधा जी सी सी एक कंपाइलर है सी प्लस प्लस का आप सिर्फ वो कंपाइलर का नाम डाल दो टर्मिनल में मैकबुक में वो इंस्टॉल करवा देता है तो पर अगर आपको इसमें GCC या फिर सी प्लस वो के टूल डालने हैं तो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी चीजें और मैं वो डाउनलोड कर रहा था तब बेचारा लैपटॉप ने दम छोड़ दिया आई वॉज लेफ्ट विद ओनली फोर जी बी स्टोरेज इन माई कंप्यूटर तो मैंने कहा यार इतनी ऐप्स चल रही है तो इस कारण मैंने इंस्टॉल किया विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स दैट इज कॉल्ड डब्ल्यू एस एल इसका मतलब यह है कि आपको मैक जैसा ओ एस फॉर एग्जाम्पल यूनिक्स बेस्ड ओ एस जो कि मैकबुक बेस्ड है एंड्रॉयड फ़ोन भी आपका यूनिक्स बेस्ड है आपका आईफोन भी यूनिक्स बेस्ड है यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बड़े फास्ट होते हैं प्रोग्रामिंग के लिए तो आप इसमें भी इंस्टॉल कर सकते हो तो मैंने इसमें उबंतु एक टर्मिनल इंस्टॉल कर दिया जिसे हम विंडोज में कहते हैं डब्ल्यू एस एल विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनिक्स या फिर आप कह सकते हो मैंने एक यूनिक्स बेस्ड ओ एस इसमें इंस्टॉल कर दिया अब मैंने क्या किया मैं सीधा गया टर्मिनल uh, में एंड देन आई एक्चुअली इंस्टॉल जीसी थ्रू टर्मिनल मैंने सीधा सुडो एपीटी गेट किया कमांड एक, एक है जिसके थ्रू आप सी प्लस प्लस डेवलपमेंट किट डाउनलोड कर सकते हो जिसके जिसके थ्रू आप सी प्लस प्लस का कोड बिल्ड कर पाओ मैंने कहा विंडोज में मैं फंसना नहीं चाहता स्टोरेज ऐसे ही कम है मैं थक रहा हूँ और वैसे भी टर्मिनल में काम करने का मजा ही कुछ और होता है और उसके बाद क्या हुआ आई वॉज एबल टू बिल्ड द फाइल विच इज इन माई विंडोज बट थ्रू लिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज मैजिकल आप काफी चीजें आराम से कर सकते हो और विद दिस शेल दिस शेल इज गन बी वेरी यूजफुल कई बार आपकी क्लासेस में आपको यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सिखाया जाएगा उस केसेज में यू कैन ईजिली इंस्टॉल दिस शेल या फिर यू कैन कॉल इट डब्ल्यू एस एल या फिर यू कैन कॉल इट उबंतू लिनिक्स ओ एस जो आप इसमें इंस्टॉल करके आराम से कोड कर सकते हो आपको कोई वी एम वेयर या फिर वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनिक्स डालने की जरूरत नहीं है बड़ा लंबा चक्कर पड़ जाता है सिर्फ एक शेल से यू कैन डू एवरीथिंग

यार एक क्लिक हो जा क्लिक नहीं हो पा रहा आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्लिक क्लिक हो गया शुक्र okay. है ओके अभी आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिलीट दिस पॉइंट फाइव फाइव ठीक है पॉइंट फाइव फाइव हो जा कम ऑन कम ऑन कम ऑन ओ शिट नॉट रिस्पॉन्ड हो गया कम ऑन क्लिक नहीं होने वाला अब सीधा टास्क मैनेजर खोलते हैं टास्क मैनेजर

और मैकबुक में या फिर यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड्रॉयड स्टूडियो चार गुना तेज चलता है क्यों क्योंकि एंड्रॉयड एक यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक Mac मैकबुक एक यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है आईफोन एक यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है तो यूनिक्स यूनिक्स में थोड़ी स्पीड ज्यादा फास्ट होती है तो अगर आप लिनक्स इंस्टॉल कर लोगे और उसमें करोगे तो फास्ट होगा गए स्टूडियो तो विंडोज में ऑब्वियसली स्लो ही चलता है तो मैंने एंड्रॉय स्टूडियो पहले बिल्ड इतना स्लो हो रहा था और मैं थक गया था और मैंने कहा चलो इम्यूलेटर इंस्टॉल करते हैं और बेचारे सी पी ओ ने और इसकी रैम ने दम तोड़ दिया फिर से इसके अंदर सिर्फ चार जी बी रैम है एंड इट एक्चुअली वेंट आउट ऑफ कंट्रोल इट सेव ओनली फोर जी बी रैम एंड आई एम ऑलरेडी गिविंग टू टू थ्री जी बी रैम टू वी एस कोड एंड्रॉइड स्टूडियो लिनिक्स एंड देन इट से नॉट रन द इम्यूलेटर सो आई हैड टू यूज अ फिजिकल डिवाइस टू रन माई एंड्रॉयड एप्स सो इट कैन रन

यूजिंग एन एक्सटर्नल डिवाइस तो सारी डिवेलपमेंट इसमें हो गई अब मुझे प्रॉब्लम्स कहाँ पर फेस करनी पड़ी नंबर वन प्रॉब्लम कभी कभी हैंग होता है ऑब्वियसली इफ यू विल लॉन्च टू मनी थिंग्स ऑन दिस कम्प्यूटर इट विल लैग और मैकबुक में काफ़ी स्मूद एक्सपीरियंस की हालत पड़ गई थी तो दिस इज नॉट वेरी स्मूथ एज यू वुड एक्सपेक्ट क्योंकि लैपटॉप थोड़ा सा स्लो है तो इट इज ऑबियस दैट टू हंड्रेड लैपटॉप कैनॉट कंपीट विद व वन थाउजेंड डॉलर लैपटॉप पर ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा इट वॉज नॉट एज लाइगी एज अ थॉट और दूसरी प्रॉब्लम इसमें हार्डवेयर वाइज मुझे लगी कि द पावर बटन इज ऑन द कॉर्नर आई वॉज यूज टू डिलीट की ऑन द कॉर्नर सो आई वॉज टैपिंग ऑन द पावर बटन अगैन एंड अगैन एंड विच यू नो वेस्ट टाइम सो इफ आई क्लिक ऑन इट दैन द लैपटॉप गोज टू स्लीप देन हैव टू वेट अगैन एंड

नंबर थ्री प्रॉब्लम इसका नंबर पैड बहुत बेकार है मतलब गलती से यहाँ पर क्लिक हो जाता है ऑन एंड ऑफ की पर और उसके साथ क्या होता है दैट दिस नम दिस ट्रैक पैड बिकम्स नंबर पैड और इससे बड़ी दिक्कतें आई मुझे बट ओवरऑल मैं अगर कहूँ कि किसी एक बच्चे को कोडिंग करनी है तो ये लैपटॉप परफेक्ट है और अगर आपको लगता है ये स्टोरेज कम है तो आप क्या कर सकते हो यू कैन एक्चुअली गो टू ऑनलाइन कंपाइलर तो आप ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर सकते हो जैसे गूगल कोड लैब्स जो कि मेरा फेवरेट है मेरे टाइम में भी मेरे पास लैपटॉप इतना पावरफुल नहीं था तो मैंने ऑनलाइन कंपाइलर को ही चूज़ किया ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज को ही चूज़ किया ताकि मेरी ऐप्स जल्दी से रन हो जाए जो होमवर्क वगैरह जल्दी से रन हो जाए पर अगर आपको चाहिए कि आप लोकल मशीन पर ही इंस्टॉल करो दूसरा रास्ता आप लाइब्रेरी भी चले जाओ या तीसरा रास्ता है कि आप लैपटॉप महंगा खरीद लो पर ओवरऑल मैं सब हर एक को कहूंगा एज अ बिगनर फ्रेंडली लैपटॉप यू कैन एक्चुअली गो विद इट बट मेक श्योर यू गो फॉर एट जी बी रैम एंड एस एस डी स्टोरेज अदरवाइज आज के बाद अगर आप कोई भी लैपटॉप लेना चाहते हो डिज़ाइन वाइज जिसके अंदर पावर बटन थोड़ा बाहर है ट्रैक पैड थोड़ा सा बड़ा है और आठ जी बी रैम है एस एस टी है यू कैन गो फॉर एनी लैपटॉप एंड यू वॉन्ट गो रॉन्ग बिकॉज सारे लैपटॉप काफ़ी बिगनर फ्रेंडली है एंड यू कैन ईजिली मैं मैं आपको बता सकता कि अगर अगर आप 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 आज का लैपटॉप लेते हो, हो, चैलेंज करता अच्छी सब कुछ ऐसे सीख जाते तो लाख रुपए दो महीने कमा पाओगे अगर आप किसी कंपनी में चले जाते हो अगर आप इंजीनियर बन जाते हो किसी कंपनी में इंटर्नशिप ले लेते हो और अच्छी सैलरी आपको मिल सकती है पर मंथ अगर एड टेक में जाते हो वन लाख के आसपास मिल सकते हैं और अगर इंजियन में बताते हो तो फिफ्टी थाउजेंड टू वन लाख आराम से कमा सकते हो एंड यू कैन बाई अ बेटर लैपटॉप आफ्टर दैट सो आई सो आई विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच वॉचिंग एनासी बाइ ने